भटल का एरिया ये नहीं रहा, वो हार चुकी है यहाँ से। तो आज परमिंदर ढींसा यहाँ से MLA हैं, और जो रिस्पॉन्स यहाँ पे आज आके मैंने देखा, माइंड ब्लोइंग। मतलब अपने आप जो नौजवान हैं वो दूसरे गांव में आ जाते हैं मुझे रिसीव करने के लिए, अपने गांव के लिए मोटरसाइकिल, अपना तेल, अपने तरफ से उन्होंने झंडियाँ और अपनी तरफ से स्टिकर और पोस्टर लगाए हुए, और गांव में जाके आया हूँ पूरा दिन। लोग ये कह रहे हैं कि लहरा गागा से पिछली बार कम रहे थे, इस बार 9 के 9 हल्कों में से लहरा गागा हम फर्स्ट नंबर पर आना चाहते। पता था अगर बीबी भट्टल लड़ती, क्योंकि एक बार 2012 में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने भगवंत मान को हराया हुआ है, मैं जीत सकती हूँ, तो मैं चाहता था अगर आती तो पिछला हिसाब भी चुकता हो जाता, पर नहीं, उनकी किस्मत अच्छी थी कि नहीं लड़ पाए। तरीको वोट डाल के दिल्ली में, उसके बाद वो आएंगे 12 की रात को ही आ जाएंगे, 12 की रात से उनके जो जनसभाएं शुरू हो जाएंगी, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मई तक प्रचार चलना है, वो रहेंगे। बिल्कुल गलत आरोप है, इतना है कि मैंने उनमें हिम्मत तो भरी है 5 साल में कि आप सवाल करो नेताओं से, मेरे से भी सवाल करो कि मेरी पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस के बारे में पूछो, मेरे जो फंड मैंने दिए हैं उनको, उनकी पारदर्शिता के बारे में पूछो, तो इनको भी पूछो। अगर पुराने जो वोट हैं वो किस कुएं में डाल के आए हैं, नया मैनिफेस्टो में वादे किए थे घर घर की नौकरी, वो लड़के पूछ रहे हैं क्या ये शराबी हुई है, वो कह रहे हैं हम एमएड हैं, कहाँ गए वे हमारा 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता, ये इनको शराब लगती है। शराब की बात ढिल्लो साहब ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उनकी रुस्सा के साथ जो फोटो आई है ना, जो गिलास हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं आप मेरी निजी है, तो मेरे बारे में जो आरोप लगाते रहे हैं जिस चीज़ों पर, तो मेरी निजी जिंदगी नहीं थी। फोटो तोड़ मोड़ के पेश किया उसने, कहा अब मैं वीडियो पेश कर रहा हूँ, वो तो नहीं तोड़ मोड़ सकता ना, वो तो नहीं तोड़ मोड़ सकता, वीडियो भी आ रही है बस जल्दी। अगलों को अंदर करने के लिए आप कुमार प्रताप को हटाया क्यों, हटवाया क्यों, पहले क्यों नहीं इस बात पे उन्होंने जोर दिया, क्योंकि कुमार विजय प्रताप जो थे वो इलेक्शन से पहले इनको दोषी करार देने वाले थे। इन्होंने आपस में बात की कि यार इलेक्शन पहले हम दोषी करार हो गए तो लोग जो हमें बहुत बुरी तरह से जो है हम नफरत के पात्र बन जाएंगे, इसको हटा के थोड़ी जांच इस पर कर लो, इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो ये भी एक इलेक्शन का जुमला है कैप्टन साहब का।